नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज आप लोगों को मैं बहुत सिंपल सा आई मेकअप बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं लगाऊंगी कंसीलर। यहाँ पे मैं मेबलिन का फिट मी कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से आपको पहले आईलिड पे अच्छे से इसे लगा लेना है और फिर इसे अच्छे से ब्लेंड करना है। इसके बाद पाउडर से आपको अपने बेस को अच्छे से सेट करना है। मैं यहाँ लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं लूँगी ये ब्राउन शेड, एक्सेस को डैप कर देना है आपको, और आपको ये जो क्रीज लाइन है यहाँ पे इसे लगाना है। इस तरीके से ये क्रीज लाइन है यहाँ पे आपको लगाना है। बहुत ही सिंपल आई मेकअप है ये। इस तरीके से पहले आपको लगा लेना है और फिर आपको ब्लेंडिंग करनी है। ब्लेंडिंग के लिए मैं यहाँ पे कलर बार का ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ। इसे आपको इसे अच्छे से ब्लेंड करना है। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से ब्लेंडिंग कर रही हूँ, आप भी उसी तरीके से करें। अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है आई शेडो को। इसके बाद मैं लूँगी ये वाला पिंक शेड और इसे मैं हाफ आईलिड पे लगाऊंगी। इस तरीके से हाफ आईलिड पे आपको लगाना है। थोड़ा थोड़ा कलर लेके आपको डेवलप करना है, एक साथ बहुत ज़्यादा कलर्स नहीं लेने हैं। आप देख सकते हैं मैं इसे हाफ आईलिड पे लगा रही हूँ। आप चाहें तो अपने फिंगर टिप से भी कलर्स को लगा सकते हैं, इसे इंटेंसिटी काफी अच्छी आती है। अब एक बार आपको कलर्स को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है ताकि कोई हार्श लाइन नहीं दिखाई दे। इस तरीके से के बाद मैं ये पिंक शिमरी शेड ले लूंगी और फिर यहां पे मैं इसे प्लेस करूंगी। इस तरीके से अब मैं ये रेड शेड लूंगी और इसे ये आउटर कॉर्नर्स पे मैं प्लेस करूंगी। इस तरीके से यहाँ पे हल्का सा वी बनाते हुए आपको करना है और फिर कलर्स को अच्छे से ब्लेंड करना है।
बहुत ही सिंपल सा आई लुक है, आप इजीली कर पाएंगे, बस आपको ब्लेंडिंग काफ़ी अच्छे से करनी है। अब मैं लाइनर लगाऊंगी, यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ कलर एसेंस का लिक्विड आईलाइनर। एक्सेस को आपको रिमूव कर देना है। इसके बाद से मैं अपने लैशेस को कर्ल कर लूँगी, हल्का सा आपको कर्ल करना है। और फिर मस्कारा अप्लाई करूँगी। काजल लगाएंगे। इसे हल्का सा स्मच कर लेंगे। अब ये रेड शेड में ले लूंगी और फिर इसे काजल के जस्ट नीचे अच्छे से लगा लूंगी। अब हम फॉल्सीज लगाएंगे, आप देख सकते हैं इस तरीके का है और ये ग्लू है, ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है इस तरीके से। फिर आपको ग्लू अप्लाई करना है। इसे आपको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है और फिर अप्लाई करना है। अब मैंने हाइलाइटर लिया है और इसे अपने ब्राउ बोन्स पे लगा लिया है इस तरीके से। अपने आईज के इनर कॉर्नर्स पे भी लगा लें। अपने ब्राउज को सबसे पहले मैं स्पूली से सेट करूंगी। फिर इसे अच्छे से फिल कर लूंगी। दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना आई मेकअप कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हैं।
बहुत ही सिंपल आई मेकअप है और स्टेप बाय स्टेप मैंने एक्सप्लेन भी किया है। आप अगर वीडियोस अच्छे से देखेंगे तो आप बिल्कुल से सीख जाएंगे। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियोस अच्छे लगते हो तो इन्हें लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्किल में, फैमिली में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, जहाँ पर भी आपको सही लगे पूरी जगह शेयर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।